हाँ, हम जब टायर चेंज करते हैं तो ये आपको टायर दिखाई दे रहा होगा, तो हमें आमतौर पे इसकी एक लुब्रिकेशन करनी होती है इस बीड के ऊपर। ये जो बीड है इसकी हमें इस पे लुब्रिकेशन करते हैं। तो इस बीड की लुब्रिकेशन आमतौर पे मार्केट में लोग खरीदते हैं, लेकिन इसको हम बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरे पास आप एक, हम इसको कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक गिलास पानी ले रहा हूँ, ये मैं एक टायर के लिए कर रहा हूँ, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और इसके बाद मेरे पास ये सिंथेटिक ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल। तो मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 17 मिली लीटर, 20 मिलीमीटर आप कह लें, मैं इसके अंदर ऑयल डाल रहा हूँ। अच्छा जी, अब एक मसला पैदा होता है, ऑयल ऑयल और पानी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ये बात आपको पता होगा कि ऑयल और पानी आपस में मिक्स नहीं हो सकता, ये सिंथेटिक ऑयल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सोप डालेंगे, इतना ही जितना हमने लिया था। तो मैं इसके अंदर ये अब इस वक्त सोप डाल रहा हूँ, तो ये मैंने इसके अंदर सोप डाल दिया। अच्छा, अब आपको सोप जब मैंने डाल दिया तो अब क्या होगा, सोप जो है वो ऑयल के पार्टिकल को ब्रेक कर देगा। तो जब ऑयल के पार्टिकल को ब्रेक कर देगा तो हमको क्या मिलेगा, हमें ऑयल के अंदर का जो लुब्रिकेंट है वो मिलेगा, सोप के अंदर का जो लुब्रिकेंट है वो मिलेगा। क्योंकि सोप ने ऑयल को पार्टिकल को तोड़ दिया, तो हमें इसके अंदर से एंटी फ्रिक्शन केमिकल जो इसके अंदर थे वो अलहदा से मिल जाएंगे, और हमको एंटी हीट केमिकल जो इसके अंदर है वो अलग से मिल जाएंगे। तो हमारे पास एक ये एक बेहतरीन चीज़ तैयार हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको शेक करूँगा। तो इसके अंदर अब जो ऑयल और सोप है वो एक एलिमेंट बन गया है, और ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये मैं इसके अंदर डाल के, और इस वक्त जो मुझे इसके अंदर से चीज़ मिलेगी वो एक बेहतरीन लुब्रिकेंट मिलेगा। याद रखिएगा, टायर लुब्रिकेंट, नॉट ए टॉयल सीलर। हमें सीलर नहीं मिला, हमें टॉयल लुब्रिकेंट मिला। शुक्रिया।